समझे कि वो आंखों के ऊपर नहीं नहीं ये वो नहीं, तो मसाज है। तो बड़ा ऐसे बैठा हुआ जैसे खान जैसे। मैंने कहा गाड़ी चलाते हो कि नहीं। वीडियो का पार्ट टू, हम फ्रेश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सही, और रेस्ट भी हमने कर लिया है पिशावर में शुएब भाई के पास, और शुएब भाई ने खाने का इंतजाम किया और बनाया भी खुद है, ऐसा ना कि किसी और ने बनाया। पिशावर के मशहूर लोग हैं ना, ये वही हैं शिनवारी, और शिनवारी का पता है कि पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया एक्सपर्ट है। और अब आपको पता है कि शिनवारी के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में बड़े पॉपुलर फेमस लोग हैं, तो उन्होंने खुद बनाया। और बिल्कुल फ्रेश बैठे इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। लेकिन आपने गाड़ी जो चलाई है ना, गाड़ी जो चलाई है रोड, क्योंकि बड़ा बकवास था असल में, मैं आपको बताता हूँ। तो वजह ये थी, नहीं हाँ, जब से देखा और सारे पूरे रास्ते बाबू ने गाड़ी चलाई है नॉन स्टॉप, कहीं बैठा रहा। तो बड़ा ऐसे बैठा हुआ जैसे खान जैसे। मैंने कहा गाड़ी चलाते हो कि नहीं, खुद चला रहा हूँ। क्योंकि यार रोड एक बहुत बिजी है और मुझसे टाइम होती भी थी, मैं बिल्कुल फ्रंट पे। आपने पहला व्लॉग देखा है, कमेंट्स नहीं करते, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी VIP मज़े का व्लॉग बनाया हुआ है, तो कमेंट्स में हमने खाम खाम में कमेंट्स करनी है। मेहनत करते हैं, ये कितनी बड़ी बात कर दी अब्दुल्ला ने, हक तो बनता है ना, बनता है ना, फुल देखने का और फिर कमेंट्स करने का। हमारे आगे रोटी परोसी गई है, वो एक घर की पकी हुई तंदूर की रोटी थी, और साथ में जो था कबाब बारबेक्यू, साथ में काबली पुलाव भी था। जो सबसे ख़ास चीज़ थी ना वो थी चिकन अंगारा, चिकन आप लोग खाते, लेकिन ये थोड़ा कोई अलग टाइप का चिकन था, चिकन अंगारा था और दम पुख्त था साथ में, बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट था यार। रेसुल खान में जो तंदूर वाली रोटी मिलती है या घर की पकी हुई रोटी मिलती है, यहाँ पे कुछ अलग सीन था। एक रोटी थी जो हमारे आगे उन्होंने परोसी है, रोटी का रेसिपी ऐसी थी कि वो मैंने शुएब भाई से पता किया, मैंने कहा ये कैसे बनी, तो वो कह रहे थे कि ये इसको हम जपते अंगारे उनको इकट्ठा कर और उसके ऊपर जो मैदे की मतलब रोटी होती है उसके ऊपर रख देते हैं, तकरीबन 3 घंटे तक वो पकती है, उसके बाद वो जाके तैयार होती है। आप सब जायका कैसे, लाजवाब। ये जो रोटी है बारबेक्यू वाली, इसको मैं ट्राई करके बताता हूँ कैसे है। जायका बहुत अच्छा है जी, तो खाना खाते हैं फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। अभी जा रहे हैं फिस्त्री और फिस्त्री के बाद जाएंगे HBK मार्केट। और ये इसकी सुनी थी आपने इजाज बाबू की, तो उसने कहा मैंने कहा अभी हम कहाँ हैं, उसने कहा रोड पर हैं। रोड पर तो है, ड्रामे ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, मानते हम थके हुए हैं आप क्या नहीं, हम मानते हैं कि आप थके हुए हैं, मतलब रिलैक्स बैठा है, रिलैक्स बैठा अभी सुकून पे। देखो इधर देखो, अभी क्लब जाएंगे, डांस मास भी करेंगे। तो क्लब जाओगे भाई हैं, वो तो इधर नाइट क्लब होते हैं। अच्छा नहीं, खबर में होते वो है ना, वो फ्लेवर नहीं नहीं आप बताएं चाहिए तो। हां बस अब हमें जाना है, हां जाएंगे बस, ठीक है ये जाएं, मतलब स्त्री पुले, ये फिस्त्री पुल है। अच्छा ये ऊपर जो है, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, फिस्त्री में जा रहे हैं, फिस्त्री जा रहे हैं, फिस्त्री के बाद जाएंगे 4 स्ट्रीट। अच्छा कावा पीने के लिए। यार आज आप लोगों ने इतना हमें खिलाया ना, सीरियसली अब हम थक गए हैं, आज इतना हमें खाया ना सही से बड़ा, अब हम थक गए हैं और हजम नहीं हो रहा असल में। ये है फिस्त्री, ये लिखा हुआ है पिशावर फॉरएवर। अच्छा ये आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, ये हाँ यहाँ भी बैठो, आपकी पिक्चर बनाती है, बहुत मजे की पिक्चर आएगी। ठीक है बैठो, आप तो पिंकी नजर आ रहे हो। बिल्कुल फुल है, आप यकीन करें शुएब भाई, और ये अभी हमें बड़ा तंग कर रहे हैं, खाना भी हमने खा लिया था, और ये अभी कह रहे हैं कि यार आप लोगों ने जो हमारा ट्रेडिशनल चीज़ है वो आपने नहीं पिया, वो है कावा इनका। तो हमने कहा भी है कि यार हम बिल्कुल फुल हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यार कावा हम पिलाएंगे, वो इनकी वो ट्रेडिशनल है ना, इनका कावा ट्रेडिशनल है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो अभी फिर हम जाते हैं थोड़ा, बाकी आपने देख लिया पिशावर फॉरएवर, ये सही देख सकते हैं आप। ठीक है तो आपको फिर मिलते हैं आगे। फेज 6 में आए हुए हैं फूड स्ट्रीट पर, और तकरीबन रात किस टाइम बज रहे हैं 1, लोग हैं नहीं, रश नहीं है,
आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जो रश है वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। हम मतलब लेट निकलेंगे ताकि रश ना हो। यहाँ पे आपको खाने पीने की हर अशिया मिलेगी, ज़्यादातर जो है शवरमा है और शेक है, लस्सी है, शीख कबाब है, कढ़ाई है, हर चीज़ आपको मिलेगी। बाब साहब अपनी बातों में बिजी है ये शेख भाई के साथ। गेम आप खेल सकते हैं, देख सकते हैं वो किया है कभी। कौन सी ये मसाज? ये तो मसाज है, ये वो नहीं है तो तुमने समझा कि वो आंखों के ऊपर हो। नहीं नहीं ये वो नहीं, ये तो मसाज है। अच्छा ये आप देख सकते हैं, मसाज भी यहाँ पे आप करवा सकते हैं। ये 5 मिनट का है 250 रुपया, और 3D 2D में भी आपको मसाज मिल सकता है। सॉरी 350, वो गलत है, ठीक है जी। यहाँ पे स्नोकर भी खेली जाती है सेकंड से। शोएब भाई ये सारी रात खुली रहती है? ये कह रहा है कि रमज़ान के महीने में यहाँ पे इतना रश होता है कि 1-2 बजे तक बच्चे बड़े खेलते क्रिकेट, ये इस जगह पर बॉल वगैरह खेलते रहते हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ा रश होता होगा इस जगह पर, है ना, सारी रात। फिर लोग नमाज के बाद सो जाते हैं। हाँ, मतलब रात को जो टाइम पास करते हैं उधर ही आके खेलते हैं। यहाँ पर दिन में कोई भी नहीं घूमता, रोज़ा जैसे खोल कर उसके बाद आ जाते होंगे यहाँ पर, फिर निकलते हैं। फिर कोई क्या खाता है, कोई क्या करता है, लेकिन रमजान में तो लोग सिर्फ मतलब हल्की गिजा खाते होंगे ना, है ना। 15-16 रोजे के बाद शुगर बढ़ जाता है, समझ तो गए होंगे। कहना क्या चाहते हो? अभी भी सही शुगर लगा हुआ है, देखो उधर सामने कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई स्नोकर खेल रहा है, मसाज। हाँ बताओ।